राइट, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। मेरा नाम हृदय है। आज हमने करना है एसपीआर कवर, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस करा था। तो इस टाइम हम हैं जंक्शन के ऊपर। ये जो पुल देख रहे हो, ये है सोना रोड का, बहुत ही प्यारा बना रहे हैं। आई थिंक साल के एंड तक ये शुरू हो जाएगा। साल के एंड तक शुरू हो जाएगा, हमने जाके देखा है। तो जैसे ये पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर भी कवर कर लेंगे। आज एसपीआर का दृश्य अब यहाँ से NH8 तक, क्लोवर लीफ तक कवर करेंगे और आसपास वाले जितनी भी डेवलपमेंट है उनके बारे में बात करेंगे आज। तो ये फ्लाईओवर है जो आप बता रहे थे कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर, तो इसमें सिर्फ 100 मीटर का ही काम है विच इज रिमेनिंग। सो प्रोबेबली आई एक्सपेक्ट कि जल्दी भी ये स्टार्ट हो सकता है। आई एक्सपेक्ट एक महीने दो महीने में शुरू हो जाए। बट इट्स जस्ट दैट कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम डालते हैं तो बोलते हैं यार थोड़ा सा लेट ही बोलो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं, है ना। तो आई थिंक थोड़ी सी लाइटिंग का काम है, बिजली के वो काम बचा हुआ है। हाँ। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का भी काम इस टाइम बाकी है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर व्हिच इज देयर, इट इज 5.6 किलोमीटर एंड वंडरफुली डन यार। मतलब शहर के बीचों बीच हैबिटेशन जहाँ पे दोनों तरफ हो, सीमलेस काम हो रहा हो, अंदर का ट्रैफिक भी इफेक्ट ना हो, आई थिंक दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, राइट। एंड दैट वुड गिव बूस्ट टू बोथ SPR गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और सोना रोड के। तो आई थिंक जैसे सोना रोड कितनी हैबिटेड थी और बहुत सारे ट्रैफिक जैम्स वहाँ पे होते थे, आज भी लोग सुभाष चौक जाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि यार बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाता है। तो आई थिंक ये फ्लाईओवर के आने के बाद मेजर बूस्ट मिलेगा आपको साउथ ऑफ गुड़गांव में। राइट सर, वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स जेनपैक का जो ऑफिस है विच इज देयर ऑन SPR। पूरा का पूरा जेनपैक जो सेंटर है पूरा यहाँ पे आ गया। एंड आई थिंक एक बड़ी कंपनी मिल जाए ना बिल्डिंग को तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और एंट्री के ऊपर ही जैसे कि प्लाजियो, अच्छा इन्होंने पूरा एक अच्छी बड़ी कंपनी को दिया, सारे कैब्स वहाँ पे आते हैं और उससे पॉजिटिव माहौल है। राइट, राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑफिस स्पेस ही हैं। राइट, जो कि जैसे कि बेस्टेक ने मेन रोड के ऊपर बनाया था। आई थिंक ऑफिस स्पेस की अगर बात करें ना तो यहाँ पे द प्राइजिंग इज समवेयर क्लोज टू 40-45। सर आई बिलीव इट इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद सोना रोड एंड दैट्स व्हाई समबडी वाज लुकिंग फॉर अ बिगर चंक ऑफ ऑफिस स्पेस, दीज गाइज मूव डाउन एंड कम टू SPR। या बिकॉज सोना रोड के ऊपर क्या है ना कि छोटे छोटे चंक्स काफ़ी हैं और सुभाष चौक के पास आई थिंक एक बिल्डिंग है जहाँ पे बड़ा चंक मिलता है। राइट, तो क्वालिटी इज वन थिंग कि जब नई बिल्डिंग बनती है तो उसका चार्म अलग ही रहता है। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिटेक की अधूरी टाउनशिप है, भगवान इसका कुछ हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड इट्स अ सैड स्टोरी। यूनिटेक की राइट हैंड साइड पे यू हैव टाटा ब्रह्मांती इज देयर सर। सो टाटा ब्रह्मांती यू कुड फाइंड हाई राइज ऑप्शन, सो दीज गाइज आर वन ऑफ द ओनली फ्यू ऑप्शन जहाँ पे ड्यूप्लेक्स है हाई राइज में। उसके अलावा दीज गाइज आर ऑफरिंग विलाज एंड फ्लोर भी हैं जो लो राइज फ्लोर जैसे आजकल बिरला अदानी बेच रहे हैं वैसी टाटा में। दिस इज लाइक अ बिगर कॉम्प्लेक्स ऑफ टाटा, बट आई बिलीव दैट इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन टाटा हैजंट बिन एबल टू प्रोवाइड एनी गुड एप्रिसिएशन। सो वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर? सर एक तो ये रीजन ये है कि एक जो इनका पीछे वाला लैंड पार्सल है ना जो मेजरली जहाँ पे विला हैं और डुप्लेक्सेज हैं, तो दो अलग अलग लैंड पार्सल से होके जाना पड़ता है क्लाइंट को। तो आगे वाला जो टावर्स हैं जो पाँच हैं, अगर हम थोड़ा सा भी ड्रोन राइट के अंदर दिखाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड दिख रहा है सर हमें। हाँ 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 हाँ, तो एक क्या है कि ये जो फ्रंट का फेज है वो एक अलग चाम देता है, पीछे तक जाने तक के अंदर ना अगर ये यूनिटेक कामयाब हो जाता तो इसके साथ एडजॉइनिंग लैंड पड़ती थी निर्वाणा की। बट कुछ EDC IDC वहाँ पे नहीं गई है और डेवलपमेंट भी इनकम्प्लीट पड़ी है। चलो हम मुड़ गए तो सो दिस ये जो फ्रंट का है ना, फ्रंट का फेज अच्छा है बट इसके जो पीछे वाला फेज है वो ऑल टुगेदर ए डिफरेंट चक है पूरे गांव की रोड है 24 मीटर की, आपको वहां से जाना पड़ता है। रेवेन्यू रोड्स बहुत सारी हैं, बट सर टाटा लाइक बीइंग सो रेपिटेड व्हाई डजंट दीज गाइस बाय अ गुड चंक ऑफ लैंड? सी लैंड जो फ्रंट वाला था, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ लैंड
टाटा का आज तक का. आई हैव ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद लैंड सिलेक्शन विद टाटा, क्योंकि ना रायसेना के अंदर भी इनका लैंड अच्छा नहीं है. इवन दी गेट वे थोड़ा सा क्या है कि इतनी बड़ी ब्रांड आती तो आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा और बेटर पीस ऑफ लैंड पे आ सकती थी. एंड सेम इज़ दी स्टोरी विद आई थिंक गोदरेज ऑल्सो. वो भी लैंड सिलेक्शन इनकी बड़ी लिमिटेड. आई थिंक लैंड सिलेक्शन के अंदर DLF थोड़ा सा अच्छा रहा है, क्योंकि शायद उसके पास पुरानी लैंड भी है. और जो जो अगर DLF अच्छा रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़, देयर कनेक्शन विद द वाड्रा फैमिली, उसका भी बहुत सारी बातें हुई हैं. आई मीन इट इज़ नॉट अफेक्टेड दी नॉर्मल दीज लिमिटेड कंपनीज आर नॉट एबल टू हैव दोज कनेक्शंस वेयर दीज गाइज कुड गेट अ प्रीमियम लैंड पार्सल. इट इज़ ऑल अबाउट यू नो किस टाइम पे बाइंग कर रही है एंड हाउ डू यू सी दी, क्योंकि DLF इज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस सिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इफ़ यू टेक न्यू प्लेयर्स, आई थिंक M3M ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड पीस ऑफ लैंड सिलेक्शंस वेन दे बाय देयर प्रॉपर्टी, राइट, बिकॉज दे बीन द ओनर्स एंड द डायरेक्टर्स वर इन्वॉल्व इन द एग्रीगेशन ऑफ लैंड, तो उसका काफ़ी एडवांटेज कंपनी को मिला है. ऑन दी अदर हैंड टाटा एंड यू नो इफ आई से गोदरेज और एनी अदर लिमिटेड कंपनी, तो दे आर नॉट प्राइमरली फोकस्ड ऑन लैंड एग्रीगेशन. तो इट इज बेसिकली कि कंपनी के यू नो लाइक जो एम्प्लॉयज होते हैं हायर उस पर वो सिलेक्शन करते हैं. बट हाँ, ये अवॉइड करा जा सकता था और छोटी लैंड पे करा जा सकता था. आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट. लेफ्ट हैंड साइड पे इट्स क्रिश. आई होप दिस गाय कंप्लीट्स इट ऑन टाइम, राइट. अभी काफ़ी टाइम से आई थिंक ये जो लेफ्ट हैंड साइड की कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ बीन आई बीन ऑब्जर्विंग दिस फॉर फ्रॉम 2012 एंड स्टिल आई मीन आई फाइंड लेबर देयर, बट सम हाउ यू नो लाइक चीटी की स्पीड से काम हो रहा है. बहुत ही जब स्लो हो जाता है तो डब तब डर लगना शुरू हो सकता है. सो वन अगर क्या है, रियल एस्टेट डेवलपर का ना फ़ायदा और जो काबिलियत है वो उसकी कंस्ट्रक्शन स्पीड से होती है. बिकॉज फंडिंग अगर कॉन्टीन्यूसली रहेगी तो आप कंस्ट्रक्शन की स्पीड ठीक रखोगे. अगर फंडिंग आपकी रुक रही है या किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ही आप यू नो कंस्ट्रक्शन स्पीड स्लो करोगी. सर, आई बिलीव दैट जैसे SPR में यूनिटेक हैड अ गुड चंक ऑफ लैंड पार्सल. बिसाइड्स दैट DLF है, तो DLF बहुत आराम आराम से लॉन्चेस करता है, उसे कोई जल्दी नहीं है. एंड यूनिटेक आज की डेट में इट इज नॉट देयर. सो वी आर सीइंग नर्वाना कंट्री टू राइट नाउ, ऑल द विलास राइट एंड फ्लोर्स आल्सो. तो आई बिलीव दैट एक्सटेंशन थोड़ा सा आगे इसलिए निकल गया जस्ट बिकॉज इट हैड मोर नंबर ऑफ बिल्डर्स व्हिच कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स. और SPR ऐसा हुआ नहीं. हाँ, SPR हाँ. में ऐसा हुआ नहीं, वरना हार्डली देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड SPR. आफ्टर द पाशापुर अंडरब्रिज गेट्स ओवर, आई बिलीव द प्राइसिंग कुड बी वेरी सिमिलर ऑफ बोथ द एरियाज. कुड बी. अब जैसे कि हम यहाँ पे जैसे ऑफ कोर्स एक्सटेंशन को बनते हुए टाइम हो गया है काफ़ी, बट अब SPR एक्शन में इसलिए आ रहा है क्योंकि अब कनेक्टिविटी लोगों को विश्वास हो रहा है कि काम हो रहा है. द्वारका एक्सप्रेस वे को पॉजिटिविटी मिल रही है. CPR भी कंस्ट्रक्टेड प्लस आई बिलीव सर, मुझे लगता है कि सोना रोड का जो ये फ्लाईओवर बना है, इट हैज गिवन अ रीबर्थ टू सोना रोड एंड पीपल फाइंड इट मोर एक्सेसिबल. वरना लोगों को सोना रोड जाना भी इतना पसंद नहीं था. एंड गोल्फ कोर्स रोड हैज बीन ऑलवेज द चार्म ऑफ गुड़गांव. यस. दूसरा क्या है कि जब नई चीज दिख जाती है ना, एक हम पहले बोलते थे कि ना इसके ऊपर फ्लाईओवर आना है, पीपल वुड नॉट बिलीव इट. अब आंखों से दिख रहा है कि हाँ, एक तो हाईवे बन रहा है, दूसरा आधा बन के ऑपरेशनल हो चुका है, टोल एक्सेसिबिलिटी मिल गई है. तो नाउ पीपल थिंक कि हाँ भाई, अब स्पीड है और अच्छा नई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं यहाँ. सर, ये कौन सा कमर्शियल है ऑन राइट व्हिच यू सी? दिस इज यूनिटेक. यूनिटेक हाफ इनकम्प्लीटेड वैसे ही छोड़ के गए हुए हैं प्रोबेबली. आई थिंक दिस कमर्शियल कैन बी टेकन ओवर बाय कंपनीज एंड यू नो इट कैन बी ऑपरेटेड. क्योंकि आधा आधे में ही पड़ा है. और लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज या द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आई थिंक दिस इज विस्ता. विस्ता. सो आधा कंप्लीट है, आधा छोड़ा हुआ है. तो इट्स सो सैड कि यू नो लाइक पीपल हैव बीन इन्वेस्टिंग मनी. और आई थिंक दिस वाज द लास्ट प्रोजेक्ट जो यूनिटेक. ऑन द कंट्रीरी, वी सी M3M जो टाइम से पहले हर चीज मना के एक इतना बड़ा कमर्शियल, वेयर आई डोंट इवन फील दैट
these guys would be able to lease it out. Pata nahi, I doubt sir entirely. Meko aapko pata nahi how know, you I know it's always a doubt when you have mega you know like construction. It is kind of scary and you always wish nahi sir main andar gaya with alleys it was never ending and right. The shop sizes were 400 500 square feet where I don't believe any good brand would want to lease out और साथ के दो लोगों और तीन लोगों को मनाना है सो डिफिकल्ट कि भैया आप भी और मैं भी साथ वाली दुकान ज्वाइन करके प्रोबेबली वी कुड लीज इट आउट इफ M3M हैज टू लीज दिस आउट दे हैव टू वर्क ऑन द कोलैबोरेशन बेसिस एंड आई होप कि इन्होंने लीजिंग राइट्स दे टेक इट फ्रॉम द पीपल जिसके जिसको अपना करना है वो करना चाहिए दे शुड गिवन अ लेटर टू एवरीबडी आस्किंग देम कि आर दे गोनू यू नो साइन अप और they want their help because itna bada giant player hai na like he can only prove the company can only prove their worth agar they help you know they set up a amazing leasing structure right. And I think ye agla bahut hi bada player gurgaon ka hai even if they have to spend money and you know do it karna chahiye yaar karna because people expect ki if you're doing such massive constructions in the city they expect you ki You know, आप लीज आउट कराओगे और उसके बाद गेस व्हाट व्हेन दे यू नो लॉन्च देयर नेक्स्ट कमर्शियल दे कैन जैक अप द प्राइसेस नो डाउट यू नो लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं सो वी आर मिसिंग आउट ऑन द कॉर्नर लैंड पार्सल व्हिच इज अ न्यू एसईओ मार्केट बाय द नेम ऑफ वाइट लैंड या एसईओ इज अ हॉट केक राइट नाउ यार पिछले जैसे कि मैं पिछले भी लोगों को बोला था कि प्लीज कमेंट डाउन अगर आपको लगता है कि किसी ने एसईओ लिए हैं और उनके अप्रिशिएट नहीं हुए हो तो लैंड के अंदर भी और लैंड का साथ क्या है ना एसईओ वाले एक तो मैं जब जाता हूँ ना एसईओ मार्केट्स के अंदर आई सी एवरीथिंग ऑक्यूपाइड देयर इज अ रीज़न अटैच टू इट एक तो स्पेस ज़्यादा लंबा बड़ा मिल जाता है एक मेंटेनेंस से लोग बहुत भागते हैं कमर्शियल में ना जब आपको 20 रुपये 25 रुपये पर स्क्वायर फीट की देनी पड़ती है ना तो आप सोचते हो कि यार मेरे खुद के एसी चला लूँ वो ज़्यादा अच्छा है So it has been a positive, you know, sentiment for the city. Ki, you know, abhi recently licenses kafi aaye hain, and I think the prices are undervalued. ठीक है, वो time हो सकता है 10 साल के अंदर आ जाए जैसे कि साउथ एक्स के अंदर हम देखते हैं 90 करोड़ 100 करोड़ के SEOs आजकल ट्रेड ऑफ हो रहे हैं. So it's I feel Gurgaon is really undervalued. ठीक है इसको अभी टाइम लगेगा ऑफ कोर्स सिटी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू नो पीपल कमिंग आउट और वो शॉपिंग पे जाएं इट्स अ न्यू सिटी ऑल टुगेदर मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से ही प्राइस हाई बट सर आई बिलीव इवन एन एसईओ मार्केट कुड लाइक केटर टू अ वाइडर ऑडियंस की अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है एक नर्सरी का स्कूल खोलना है इवन आई बिलीव व्हेन आई सी द सीएलयू पेपर्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट आज की डेट में सिर्फ वेयर हाउसिंग को ही सीएलयू मिल रहा है सो समबडी हु वांट्स टू ओपन अ कार शोरूम और मोटरसाइकिल शोरूम वुड हैव टू इवेंचुअली कंसिडर गोइंग इन टू एन एसईओ मार्केट ओनली यस यस और साथ के अंदर क्या है कि जो आप फ्रीडम है ना फ्रीडम की बात है जैसे बहुत सारे कमर्शियल ऑफ स्पेसेस के अंदर देखते हैं कि यू नो आप सेकेंड फ्लोर पे ही कुछ सर्टन काम कर सकते हो जैसे कोई खाने का है जैसे कोई अगर आपका फॉर से अलॉय का आपका शोरूम है तो यू वुड नॉट वांट यू नो कि आप अलॉय का शोरूम सर अभी वी आर मिसिंग द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ BMW वी हैव मिस्ड M3M प्रीवी एंड बिहाइंड दैट इज DLF अलमेडा सी इफ वी टॉक टू मच अबाउट M3M ना लोगों को लगता है कि यू नो लाइक कि पहले आप बोलते थे कि M3M को इग्नोर करते थे बट यू नो लाइक अगर उसकी मेन रोड पे साइट है यू कांट इग्नोर इट राइट यू कांट इग्नोर इट लाइक इट्स अब जैसे कॉर्नर वॉक है दिस इज अगेन यू नो अ मिक्स लैंड यूज तो कि एक नया कॉन्सेप्ट है सो द ओनली यू नो आई वुड से कि सजेशन M3M के लिए बाबा कमर्शियल को हिट कर दो कमर्शियल को चढ़ा दो उस पर वर्किंग लगा दो ठीक है उसके बाद आप नेक्स्ट जब लॉन्च करोगे ना पीपल वुड पे प्रीमियम क्योंकि दे वुड नो कि What value works, do you bring? Yeah. And I what don't believe that there's any other builder who has the capacity to build this scale of a commercial. This scale of a commercial. अंदर जाओ तो लगता है कि दुबई या कहीं भारी आ गए हो ऐसा लगता ही नहीं है. I mean बहुत मैंने सोचा कि what are the negatives you know like कि ऐसा मैं like जैसे हम कुछ बात करते पिछली वीडियो के अंदर हमने M3M के कुछ प्रॉपर्टीज है तो लोगों को लगता है यार M3M के बारे में बात I would like my audience to tell me कि इस बिल्डर ने क्या गलत करा है सो जस्ट राइट डाउन अगर आपके साथ कुछ गलत करा है बिल्डर ने
राइट, इफ यू हैव फाउंड आउट कि कुछ अनएथिकल लग रहा है, अगर कुछ होगा ना तो लाइक दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, वी कुड ऑल्सो यू नो लाइक शेयर इट विद द ऑडियंस. So we are seeing the new headquarters of Amex, which are Amex, which is getting inspected. Yeah, I mean, altogether, this is what you know SPR is going to offer. You know, agar jaise expansion hota hai, right. And yahan pe jaise development hoti shuru aayegi, to big companies ye pura ka pura ek company legi, to acha hai. Aur jaise ki land parcels all pade hain, M3M ke bhi yahan pe hain, in fact DLF ke bhi hain. Right. तो थोड़ा सा DLF की हमने देखी, थोड़ी सी लेट बैक अप्रोच चल रही है. DLF इज कमिंग आउट विद स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स. बाय द वे DLF की बात कर रहे हैं तो देयर इज फ्यू लॉन्चेस दैट आर कमिंग राइट. सो लाइक यू गाइस कैन ऑलवेज यू नो कॉल अस लाइक लॉन्चेस व्हिच वी डिडंट एक्सपेक्टेड. कितनी जल्दी कर लेगा, एक्सपेक्टेड राइट. आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि यू नो DLF वुड बी सच एक्टिव. लाइक अभी जैसे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस हमारी कुछ होती है, लेकिन जब हम लाइसेंसेस अप्लाइड देखते हैं, पेपर्स अप्लाइड देखते हैं, तो वी ऑल्सो यू नो वी वॉन्टेड टू टेल यू गाइज एंड बताने का हमारा मन करता है कि यू नो दिस इज कमिंग इन दिस सिटी. सो दिस इज ऑल DLF व्हिच वी आर सीइंग लेफ्ट राइट. या सारी जमीन DLF की है. दिस 93 के अंदर गार्डन सिटीज दे आर गेटिंग एक्टिव. लाइक आई थिंक अगले दो क्वार्टर DLF के नाम लिख देने चाहिए. देयर इज लॉट ऑफ प्लानिंग दैट दे आर प्रपोजिंग. ये भी DLF की बिल्डिंग है, कैपिटल ग्रीन्स. 40-45 रुपए रेंट है. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी फेयर प्रोपोजिशन. व्हेन दिस क्लोवर लीव्स कम्स, ये क्लोवर लीफ आप जो लोग देख रहे हो यहाँ पे, इट इज ऑलरेडी हाफ वे डन. एंड आई थिंक एक साल का टाइम दे दें अगर इस क्लोवर लीफ को, दिस वुड बी मेगा यू नो लाइक अ जंक्शन जहाँ पे समथिंग धौला कुआं ऑफ दिल्ली गेटिंग क्रिएटेड. आई थिंक बिगर देन धौला कुआं यार. सर वो तो नेशनल हाईवे पे है ना. लैंड पार्सल देखो अब क्या है कि इसकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, तो पूरा का पूरा चार फूल ऐसे निकल के आ रहे हैं, है ना. दिस इज व्हाट SPR का जो जंक्शन है, अगर इसके पास के जैसे कि आई थिंक SEO लैंड भी जो है right. वो भी काम करेंगे. इवन पिरामिड हैज कम विद एन SEO मार्केट. आई मीन या बट इट्स जस्ट दैट देयर लॉट अदर प्लेयर्स आल्सो राइट. और इट्स ऑल अबाउट द प्राइजिंग एंड द फेयर प्राइजिंग. यू नो लाइक लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, लॉट ऑफ बिल्डर्स आर कमिंग अप. इट्स मोर अबाउट यू नो आई फील कि लोगों को इंक्लाइंड, अगर लोग आंखें खोल लेंगे ना तो दे वुड हैव अ परसेप्शन कि जैसे ओरिस है राइट, इवन सिग्नेचर है, DLF है, मेजर प्लेयर है. जैसे अपने पिरामिड की भी बात करी राइट, तो आई थिंक जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इज गुड इनफ एंड आई नो डाउट अबाउट इट. इट्स द मार्केट इज अंडर वैल्यूड. लोगों को लगता होगा कि बहुत सारा पैसा है. बिलीव मी वंस यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद दिल्ली, एंड आई एम टेलिंग यू गुड़गांव के अंदर हर एक वो पोटेंशियल है दिल्ली को बीट करने का. बीट नहीं करेगा क्योंकि दिल्ली बहुत पुरानी है, कितने टाइम में बनी है सिटी. बट नाउ यू सी द स्पीड ऑफ द सिटी, यू सी द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू सी द जेंट्री. एंड आई थिंक जो बड़े बिजनेसमैन अब अट्रैक्ट कर रही है, इनिशियली पहले 10 साल बड़े बिजनेसमैन तो अभी भी हैं. फॉर्च्यून 500 कंपनी इज देयर इन गुड़गांव, सो ऑलरेडी हैज अ बेटर जेंट्री देन दिल्ली. बट पहले हम देखते थे कि ना जब नया बन रहा था, इट वाज मोर डोमिनेटेड बाय वर्किंग क्लास सैलरीड पीपल. नाउ आई सी इट्स बीन डोमिनेटेड बाय बिजनेसमैन. पिछले 2 साल के अंदर वी हैव सीन मैसिव मूविंग फ्रॉम दिल्ली बिजनेसमैन लोगों की यहाँ पे अपने धंधे सेट करने के लिए. सर राइट, दिस वॉज SPR एंड वी गोइंग टू डू SCR. SPR के अंदर वाला जो 69 सेक्टर है, दैट्स अ लिटिल अफोर्डेबल टाइप एंड 70A. सो इसके बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे. एंड देन वी विल बी कवरिंग न्यू गुड़गांव एंड फाइनली देन द्वारका एक्सप्रेस वे राइट. सो दिस वॉज आशीष गुट. इफ यू लाइकिंग द कंटेंट प्लीज लाइक डाल दो, हमको पता लग जाएगा कि आपको अच्छा लग रहा है. और अगले वीडियोस कहाँ के जाते हो, अगर सेक्टर्स के भी चाहते हो ऐसे रिव्यू, तो वो भी कमेंट में आप डाल सकते हो. एंड आई एम थिंकिंग वी गोइंग टू कवर NH8 आल्सो, MG रोड आल्सो एंड द अदर सेक्टर्स व्हिच आर राइट. इफ वी कीप ऑन गेटिंग द लव, सो प्रोबब्ली वी शुड कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट रोड. सो वी कैन डू इट इन डेप्थ आल्सो. इन डेप्थ के अंदर अगर इफ यू वांट अस लाइक कि सेक्टर के अंदर
अगर खाली लैंड के ऊपर, जैसे कि हम देख रहे हैं DLF लेके आ रहे हैं नए फ्लोर्स, और 10-10, 15-15, अगर आप लोगों को हर एक सेक्टर का ऐसे इंडिपेंडेंट वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे को कमेंट दिखेंगे कि हाँ डिमांड आ रही है, जैसे द्वारका एक्सप्रेस में लोगों ने दबा के कमेंट करा कि हमको चाहिए, तो यू नो लाइक विल डू इट। न्यू गुड़गांव कमेंट करा तो चाहिए। अगर आपको सेक्टर्स भी ऐसे लगते हैं, और भी जंक्शन लगते हैं NH8 के चाहिए या DLF 1, 2, 3, 4, 5 के चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करो, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा तो प्लीज़ कर दो। प्लीज़ वी गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, प्रोबेबली टुमारो। राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।